तो गाइस वार्म अप मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता था, कौन अभी तक मेरी पूरी वीडियो फॉलो कर रहा है डे वन से लेके, एक बार मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे भी पता पड़े कि आप कितना डेडिकेट हैं इस वीडियो को, इस सीरीज़ को लेके, और आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपकी बॉडी में, और कैसा आपको लग रहा है, फील कैसा आ रहा है, ये ज़रूर मुझे आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और इस वर्कआउट सीरीज़ को आप प्रॉपर फॉलो करें, प्रॉपर डाइट लें, जैसा कि मैंने आपको डाइट बता रखा है, और डाइट अच्छी लेंगे, न्यूट्रिशन अच्छा होता है और पानी का इंटेक अच्छा होता है, अच्छा वर्कआउट होता है, तो रिजल्ट आपके हाथ में, रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, डे 47। तो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बारबल बैंड ओवर रोइंग। इसके अंदर हम सुपरनेटेड ग्रिप लेने वाले हैं, इसके हम 4 सेट करेंगे 12 से 15 रेपिटेशन। तो ये मैंने पहले आपको बता रखा जिसके अंदर हमने प्रोनेटेड ग्रिप ली थी, आज हम सुपरनेटेड लेने वाले हैं। तो एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ, सुपरनेटेड ग्रिप में हमें पाम की साइड से पकड़ना है, ऐसे ग्रिप लेनी है, और बैंड होना है 45 डिग्री करीब, 30 से 45 डिग्री, और नी से नीचे तक आपकी रोड जाना चाहिए, फिर आपको पुल करना है। एक बार देखते हैं कैसे करना है। 45 डिग्री एंगल है नी से नीचे मेरे, 1 बैंट ओवर रोइंग, 4 सेट मैंने कंप्लीट हो गए। 10-10 केजी की प्लेट लगाई और उसके बाद मैंने 2.5 2.5 4 इंक्रीज करा, 12 रेपिटेशन सब पे आ गए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सीटेट रोइंग, इसके हम 3 सेट करेंगे 12 या 15 रेपिटेशन। तो स्टार्ट, सेटेड ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो गया, 3 सेट 12 रिपीटेशन उस पर भी आ गए। नेक्स्ट हम करने वाले हैं बैक में रियल डेल्ट फ्लाई, इसको हम केबल पे करने वाले हैं, केबल क्रॉस मशीन पे स्टैंडिंग केबल फ्लाई करेंगे, ये रियल डेल्ट के लिए करने वाले हैं। देखिए कैसे करना, आप कोई भी क्रॉस केबल वाली मशीन ले लीजिए, उसमें वेट ज़्यादा नहीं लेना है आपको, 5 या 10 kg ले लीजिए एक साइड पे, और फिर आपको ये जो हमारी केबल होती है इसके सबसे आगे से आपको पकड़ना है क्रॉस में, पहले लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में पकड़ना है, ठीक है, ऐसे क्रॉस बनाना है। ये देखिए क्रॉस बन गया, अब आपको आर्म आपके स्ट्रेट करने हैं आर्म्स, और फिर एकदम एल्बो लॉक नहीं होना चाहिए, हल्की सी सॉफ्ट एंड फ्लाई। बैक में अभी हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक और करेंगे हम लास्ट में कर लेंगे। अभी हम शोल्डर स्टार्ट करने वाले हैं, शोल्डर के अंदर हम करेंगे बारबेल ओवरहेड प्रेस, तो इसके हम 4 सेट करने वाले हैं 12 से 15 रेपिटेशन। तो स्टार्ट करते हैं, ग्रिप आपके शोल्डर विड्थ के से हल्की सी बाहर, 1 या 2 फिंगर बाहर ले लेंगे हम, इतनी करीब मैं बाहर ले रहा हूँ, और फिर आपको प्रेस करना है। बारबेल ओवरहेड प्रेस हमारा 4 सेट कंप्लीट हो गया, 12 रिपीटेशन उस पर आ गए मेरे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं नेचुरल ग्रिप पे फ्रंट रेस, ये आप ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं और दोनों हाथ से भी कर सकते हैं। अगर दोनों हाथ को साथ में लेके जाना है तो वेट आप कम रखिएगा, और सिंगल सिंगल करना है तो वेट थोड़ा हैवी ले सकते हैं। इसके हम 3 सेट करेंगे, 12 रिपीटेशन इच हैंड्स पे आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं वेट 7.5 kg से स्टार्ट कर रहा हूँ, लगेगा तो बढ़ाएंगे नहीं तो सेम वेट रखेंगे। तो ये कैसे करना है, शोल्डर की विड्थ पे आपको पैर खोलना है, बॉडी आर्च रहना चाहिए, शोल्डर पीछे की तरफ एंड स्टार्ट।
शोल्डर में फ्रंट रेज भी कंप्लीट हो गए 7.5 केजी पे ही मेरे तीनों सेट आए 12-12 रेपिटेशन। तो शोल्डर कंप्लीट हुआ हमारा। लास्ट में जैसा कि हम बैक करने वाले थे और बैक के साथ में हम कोर करेंगे, डम्बल्स पे शरक्स करने वाले हम चार सेट करेंगे और इसी के साथ में हम सुपर सेट में करेंगे रशियन ट्विस्ट। तो पहले इसके 12 या 15 रेपिटेशन होते ही आपको रशियन ट्विस्ट करना है, 12 15 20 रेपिटेशन तक आप जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, एक बार बता देता हूँ, हल्का सा मैं आगे की तरफ झुक जाता हूँ ताकि मेरा ट्रैप्स का कॉन्ट्रेक्शन अच्छा मिले। ठीक है, नीचे की तरफ देखा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करा, नीचे स्लो। डम्बल शरक्स होते ही आपको सुपर सेट में रशियन ट्विस्ट करना है। तो इसके भी हम चार सेट ही करेंगे साथ में उसके साथ में, जिसके जैसे मैंने बताया 12 से 15 20 रेपिटेशन तक आप जा सकते हैं। इसमें दो तरीके से करते हैं, आप वेट भी ले सकते हैं और विदाउट वेट भी कर सकते हैं। इसमें आपको पहले लेग को लिफ्ट करना है और आपकी अपर बॉडी भी लिफ्ट रहेगी और ट्विस्ट करना है। ठीक है, एक तो ये फ्री वेट हो गया। अगर आपका थोड़ा कोर स्ट्रांग है तो आप कोई हल्का डम्बल्स ले सकते हैं 2 kg 2.5 kg, जैसे मैं 2.5 kg ले रहा हूँ। इसके अंदर आपको वापस लेग लिफ्ट करना है और ट्विस्ट। सो गाइस, आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ हमारा, बैक शोल्डर एंड कोर। काफी अच्छा वर्कआउट था, पूरा वर्कआउट जरूर करें, डाइट अच्छी लें और वर्कआउट डेली करेंगे तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज का वर्कआउट तो हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।